अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पंजाबी जरदा पकाना सिखा रही हूँ। वसाखी आती है और वो ये गुड़ वाली चावल बनाते हैं और मल्टी कलर मीठा बनाते हैं। मैंने लिया है पिस्ता, नारियल का मैंने पाउडर ले लिए, आप चाहें तो साबुत नारियल भी लेके बारीक बारीक काट सकते हैं। ये बादाम है और ये काजू है, आप अपने हिसाब से अपनी पसंद से डाल सकते हैं। मल्टी कलर मैंने चार रंग कलर लिए, ग्रीन लिए, रेड लिए और इसके साथ ही ये मैंने ऑरेंज कलर लिए और ये थोड़ा सा येलो कलर में लिए। अब मैंने तीन गिलास चावलों के भिगो दिए। अगर आप तीन गिलास चावलों के निकालेंगे तो उसमें एक गिलास चीनी का ज़्यादा डालेंगे। जिस भी कप से आप चावल निकालेंगे साइज के, और उसी कप का एक हिस्सा शुगर का ज्यादा डालेंगे। मैंने तीन कप चावलों के लिए और इसमें मैं चार कप शुगर डालूंगी और एक कप ऑयल का डालूंगी या घी, देसी घी का डालूंगी। ठीक है, पानी को बॉईल करने के लिए रखते हैं और एक कढ़ाई पे इलायची डाल के घी में उसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। चार इलायची के डाल के इसको थोड़ा सा मैंने ब्राउन कर लिया। एक कप पानी का डाल देंगे, मैं इसका चीनी डाल दी है और इसका सीरा बना रही हूँ। चावल बॉईल करते वक्त तीन से चार लौंग इसमें डाल दिए थे, फिर उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। एक टेबलस्पून मैं लेमन जूस भी डालूंगी, इससे ये होता है कि आपके चावल जो है वो टूटते नहीं है, खड़े खड़े रहते हैं, सही रहते हैं। कोई भी चीज़ आप बिरयानी बनाएं, जरदा बनाएं और चावलों की चीज़ इस तरह कोई पुलाव बनाएं, अगर आप चावल अलग से बॉईल कर रही हैं ना तो उसमें थोड़ा सा लेमन का जूस डाल दें। आधे कच्चे पके रख के इसका पानी निकाल देना, क्योंकि सीरे में भी इन्होंने पकने और इसलिए इसमें पानी इसका निकाल दें। पानी निकाल दिए, अब ये जो सीरा मैंने बनाया था वो सीधा हम इसके ऊपर डाल दें। सीरा डालने के बाद इस तरह हम इसको हल्की आग पे रख देंगे और हमारे चावल पकेंगे। और अगर आप ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करते तो आप बराबर की भी शुगर रख सकते हैं, तीन कप शुगर तीन कप चावलों में। चलिए देखिए, जब आपका पानी इसका चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए फिर हमने हल्का सा ढक्कन उठाना है, उसके बाद फिर हमने ये कलर डाल लिए। बादाम पिस्ता जो मैंने काटा हुआ है वो भी डाल दूंगी। ये नारियल का पाउडर, अब साबुत नारियल भी डाल सकते हैं। अब हम इसको दम लगाने के लिए किचन टॉवल ले लिए और इसको हल्का सा पानी लगा लिए किचन टॉवल को, और अब हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, ढक्कन दे देंगे। 5 मिनट में हमारे चावल तैयार हो जाएंगे और बड़ी प्यारी खुशबू भी आ रही है। ये देखिए कलर, देखिए कितने खूबसूरत कलर आए हैं। और अब मैं, ये मौसम भी आज बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, धूप भी है, कभी धूप कभी बारिश, और ये मैं अब अपने बेटे के काम पे लेके जाऊंगी और सारे वर्करों में तकसीम करूंगी। हर वीक कुछ ना कुछ बना के लेके जाती हूँ और मैं जब उनको खिलाती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए अब मैं इसको डिस्प्ले नहीं करूँगी क्योंकि ये मैंने इसी तरह पतीली में गरम गरम लेके जाने। एक एक दाने का कलर कितना अच्छा है और ये बादाम पिस्ता भी इसके अंदर सारा मिक्स हो गया। अब भी मैं जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।